जय हिंद, कैसे हैं आप सब? आज सुबह जब कुछ ज़रूरत के सामान लेने के लिए मैं मार्केट गई तो बड़ा दुख सा हुआ। दुख इस बात का हुआ कि ट्रक में लोग भर भर के जा रहे हैं, सामान ऐसे खरीद रहे जिससे सामान अवेलेबल ही नहीं होगा, जबकि गवर्नमेंट हर बार बोल रही है कि पैनिक परचेजिंग ना करें। वही पुलिस वाले कुछ थे और उन्होंने कुछ लोगों को रोककर पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों, क्या काम है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि बस हम ये इस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो एक कार में चार चार लोग, एक बाइक में तीन तीन लोग, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने एक नॉर्मल एक बंदे से जब मैं सामान ले रही थी, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप एक साथ दो तीन लोग क्यों आए, आप अकेले आके भी अपने घर का सामान ले जा सकते थे। तो जो रिप्लाई मुझे मिला आई वो शॉक्ड। मैंने कहा मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता मैडम, मुझे कोई वायरस वगैरह का कोई खतरा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, यानी कि हमारा क्या रोल है ये कोरोना वायरस को स्टॉप करने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इन माई क्लास आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल टू मेनी टाइम्स my students, but now I must share here also. We are a part of family. When I, my son, my mother, my brother, my sister, means the people, the group of people will meet together, will join together, it will create family. मतलब इंसानों का जो समूह है वो परिवार का निर्माण करता है। द ग्रुप ऑफ फैमिली विल मेक द सोसाइटी। जब कई सारे परिवार मिल जाते हैं तो एक सोसाइटी, एक समाज का निर्माण होता है। When the group of society will meet each other, then a state will develop. कई सारे सोसाइटी है, कई सारे समाज के लोग एक स्टेट का निर्माण करते हैं। स्टेट का ग्रुप, स्टेट का जो होगा, एक जब हम जोड़ देंगे कई सारे स्टेट को तो क्या बनेगा, देश बनेगा। और जब हम कई सारे देशों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वर्ल्ड बनेगा, विश्व बनेगा। तो कहां से ये चेन स्टार्ट हुई? पर्सन, पर्सन इज व्हाट यू, पर्सन इज व्हाट मी। तो इफ आई स्टॉप, इफ आई कैन डू एनीथिंग, देन द फैमिली विल अफेक्ट। If family will affect, society will affect. If society will affect, definitely country will affect. And the, if the country will affect, definitely world will affect. That's why चीन से ये चला और पूरा विश्व कोरोना वायरस से परेशान है। हर दिन तादाद, हर दिन जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि उस चेन को हम ब्रेक कर दें? अगर हम अपने घर में रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, और जब सारे देश सुरक्षित रहेंगे तो विश्व सुरक्षित रहेगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही हमें? प्लीज इस चीज को समझिए कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्टॉप दिस कोरोना वायरस। I hope you'll understand. I hope you will all, you will circulate this message to everyone, everybody. Thank you very much. Please stay at home and safe.